This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में 9M13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े भी थे और कुछ टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे वो कौन कौन से थे? पहला पढ़ा था हमने द्विविमीय आकृति, जिसे हम 2D शेप भी कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि इनकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई कह लीजिए या फिर मोटाई कह लीजिए यह नहीं होती है, जबकि लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ऐसी शेप्स को हम 2D शेप कहते हैं। इसमें हमने मुख्यतः कौन कौन सी देखी थी द्विविमीय आकृति? पहली हमने देखी थी आयत, पहली हमने आयत देखी थी जिसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। दूसरी हमने देखी थी वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। तीसरी हमने देखी थी सर्कल, या फिर जिसे वृत्त कहते हैं हिंदी में। और चौथी हमने देखी थी त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये हमने मुख्यतः 2D शेप देखी थी। कुल मिला के जो हमारे काम आती हैं, जो इम्पोर्टेंट है 2D शेप्स, वह ये चार 2D शेप्स हमारे काम आती हैं। फिर हमने त्रिविमीय आकृति देखी थी, 3D शेप्स की। 3D शेप्स क्या होती हैं? उसमें हमने देखा था कि वे आकृतियां जिनकी लंबाई भी हो, चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ भी हो, और ऊंचाई या फिर मोटाई भी हो। तो जिनमें तीनों चीजें होती हैं, यस, जिनमें तीनों चीजें होती हैं वह हमारी 3D शेप्स होती हैं या फिर त्रिविमीय आकृति होती है। बिल्कुल। फिर हमने मुख्यतः देखी थी कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने पहली देखी थी घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। फिर दूसरी हमने देखी थी घन, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। तीसरी फिर हमने देखी थी बेलन, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। फोर्थ हमने देखी थी शंकु, जिसे हम कौन भी कहते हैं। और एक और होती है आपकी गोला, गोला होती है जिसे हम स्फेयर भी कहते हैं। तो ये कुछ मुख्यतः आपकी 3D शेप्स होती हैं। फिर हम एक एक करके इन 3D शेप्स के बारे में भी पढ़ रहे थे। तो हमने ये दोनों शेप्स तो पढ़ ली थी, घनाभ पढ़ लिया था और घन पढ़ लिया था। घनाभ देखा था हमने पूरा डिटेल में कि घनाभ क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का कितना हिस्सा होता है। जैसे 6 फलक होते हैं घनाभ में, 12 किनारे होते हैं, 8 शीट्स होते हैं। फिर हमने घन के बारे में भी पढ़ा था कि घन क्या होता है, उसके फलक क्या होते हैं, शीट्स क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, और कितने कितने होते हैं और किस किस शेप के होते हैं। कि घनाभ में जो फलक या फेसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं, और घन में जो फलक या फेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं। तो ये सभी डिस्कशन हमने पिछली क्लास तक कर लिया था। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पे आधारित, रिकॉल टेस्ट। आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हम पहले ही पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टेटमेंट है जो आपको बताना है कि सही है या गलत है। इसमें स्टेटमेंट क्या है हमारा, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। यस, बहुत इजी है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड है आपके पास इसके लिए, आपको बताना। अच्छा, कोई भी बच्चा, देखिए सी या डी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो सी या डी का आंसर तो कोई बच्चा करना ही नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं? इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर ऑफ स्क्वायर शेप। तो हमें यह बताना है कि यह बात सही है या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन सेकंड,
फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए, वैसे तो सभी बच्चों का सही है बिल्कुल, एक बच्चे ने गलती से डी ऑप्शन आंसर कर दिया था। ठीक है, तो धन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, सभी बच्चों का ही सही है, बहुत बढ़िया। तो ये बात हमने करी थी कि घन के सभी फलक जो होते हैं वह वर्गाकार होते हैं, और घनाभ के जो सभी फलक होते हैं वह आयताकार होते हैं। क्यों? उसका हमने रीजन भी देखा था, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह बराबर नहीं होती है, वह सभी बराबर नहीं होती है, इस वजह से उसके सभी फलक जो होते हैं वह आयताकार होते हैं, वर्गाकार नहीं होते। लेकिन घन या फिर क्यूब में सभी, इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या फिर ऊंचाई होती है, सभी बराबर होती हैं, इसलिए उसके सभी फलक या फिर सभी फेसेस वर्गाकार होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं। तो यह सही है, सभी बच्चों का सही था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यस, वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने अभी जैसे बात की, घनाभ पढ़ लिया था, घन पढ़ लिया था, अब हम अपनी अगली शेप देखते हैं, बेलन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेंडर, कि आखिर यह होता क्या है और इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो देखिए, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपको कोई डाउट है क्या? ठीक है, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलके बना होता है, मतलब जिसमें दो तो वृत्त होते हैं और एक आयत होता है। अब आपको यह वक्र क्या लिखा है, आपका यह डाउट होगा, तो यह अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वक्र आयत क्यों लिखा हुआ है। तो यह दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बना होता है, और दोनों ही वृत्तों की जो त्रिज्या होती है वह समान होती है, दोनों ही वृत्तों की त्रिज्या समान होती है। तो चलिए अब हम देख, अच्छा इंग्लिश में, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा सिलेंडर होता है वह एक ऐसी सॉलिड शेप होती है जिसके दो तो सर्किल होते हैं, जिसमें दो सर्किल होते हैं और एक रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल होता है और दो सर्कल होते हैं। तो इनसे मिलके हमारा एक पूरा सिलेंडर बना हुआ होता है, वह कैसा होता है तो उसकी अभी हम देखेंगे क्या शेप होती है सिलेंडर की। तो देखिए, इस तरह की जो आकृति होती है, इस तरह की यह जो आकृति है यह होती है आपकी सिलेंडर, यह होती है आपकी सिलेंडर, या फिर जिसे हिंदी में हम बेलन कहते हैं। तो इसके जो ऊपर का सिरा होता है, यह जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यह वाला सिरा और यह वाला सिरा, तो ये जो दोनों इसके आधार होते हैं या फिर बेस होते हैं, यह वृत्ताकार होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं, जिसे हिंदी में हम वृत्ताकार कहते हैं। तो ये दोनों ही सिरे इसके वृत्ताकार या फिर सर्कुलर होते हैं, और दोनों की ही रेडियस जो होती है, त्रिज्या, इस भी वृत्त की और इस वृत्त की, दोनों ही वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है, और वही त्रिज्या होती है हमारे सिलेंडर की, मतलब दोनों वृत्त या फिर सर्कल की और हमारे बेलन की या फिर सिलेंडर की त्रिज्या बराबर होगी। और यह जो बीच वाला हिस्सा है, जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, यह होता है आयत, यह होता है आयत, या फिर जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। तो यह बना हुआ कैसे होता है, तो मान लीजिए यह आपका आयत है या फिर यह आपका रेक्टेंगल है, तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है, इस आयत को ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है जिससे कि ये सिंपल आयत ना रह के घूम जाता है आयत, इसलिए इसे वक्र आयत कहते हैं, या फिर जिसे इंग्लिश में हम लैटरल कहते हैं, लैटरल लैटरल रेक्टेंगल। तो इसलिए ये नॉर्मल होता आयत ही, आयत को बस फोल्ड कर दिया है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मान लीजिए यह मेरे पास एक आयत है, यह यही आयत है जो सेम ये वाला, आप यह मान के चलिए यह एक आयत है। अब मुझे इससे सिलेंडर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, और अगर अभी तो ये आपको ऊपर और नीचे से खुला हुआ दिख रहा है, अगर मान लीजिए मैं ऊपर से भी इसको यहां से भी पैक कर दूं और नीचे से भी पैक कर दूं, तो यह मेरा एक पूरा सिलेंडर बन जाएगा या फिर एक पूरा बेलन बन जाएगा, और आपको दिख भी रहा होगा कि यह ऊपर से और नीचे से दोनों ही तरफ से यह सर्कुलर है या फिर वृत्ताकार है।
तो आपका बेलन सेम ऐसा ही होता है जो कि ऊपर से और नीचे से वृत्ताकार होता है, यह खुला हुआ है लेकिन बंद होता है, और यह वाला जो इसका हिस्सा होता है यह आयत ही होता है। इसे अगर हम खोल दें तो यह एक पूरा आयत बन जाएगा। यह एक पूरा बेलन है, यह एक पूरा बेलन है जिसका यह वाला जो हिस्सा है यह आयत है पूरा, और नीचे से यह नीचे और ऊपर से वृत्ताकार है इस तरीके से। तो यह आपकी एक बेलन की शेप होगी या फिर एक सिलेंडर की शेप होगी। क्लियर है? सभी बच्चों को कमेंट में बताएंगे सिलेंडर की शेप समझ में आई, कैसी होती है सिलेंडर की शेप? यस। और जो इस बहुत बढ़िया, और जो रेडियस इस सर्कल की होगी, इस वृत्त की होगी, वही रेडियस इस बेलन की भी होगी या फिर इस सिलेंडर की भी होगी। बहुत बढ़िया। तो देखिए यह हमारा यही यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो एरो से दिखाया गया है इस तरह के एरो से, यह यही दर्शा रहा है कि आयत को फोल्ड किया गया है या फिर जो रेक्टेंगुलर पेपर है उसे फोल्ड किया गया है, और यह ऊपर से इसके सर्कुलर हिस्से हैं दोनों। तो यह पूरी आकृति हमारी मिलके बेलन हो जाती है या फिर सिलेंडर हो जाती है। अब इस जो बेलन के जो आधार होते हैं, बेलन के जो ये वाले हिस्से होते हैं सर्कुलर या फिर वृत्ताकार, इन्हें बेलन का बेस बोलते हैं, सिलेंडर का बेस बोलते हैं या फिर आधार कहते हैं हिंदी में। अब बात आती है कि बेलन की ऊंचाई क्या होती है। तो बेलन के जो भी दो आधार होते हैं या फिर सिलेंडर के जो भी दोनों बेस होते हैं, पहला ये बेस और दूसरा ये बेस, तो इन दोनों बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वह हमारे बेलन की ऊंचाई कहलाती है। अगर हम इस चित्र में बात करें तो देखिए बेलन का आधार एक यह है और एक बेलन का आधार यह है। तो अगर मैं इस बेलन के दोनों आधारों के बीच की दूरी देखूं या फिर सिलेंडर के दोनों बेसिस के बीच की डिस्टेंस देखूं, तो यही आएगी, यह वाली डिस्टेंस होगी। तो इसे हम एच कहेंगे या फिर इसे हम बेलन की ऊंचाई कहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोनों अगर बेलन के बेस के बीच की मुझे डिस्टेंस ही लेनी है, तो मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ, इस तरह से भी ले सकता हूँ, या फिर अगर और मैं बात करूं तो मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ। यह भी तो दोनों बेसेस के बीच की डिस्टेंस होगी, लेकिन नहीं, हमें दोनों ही बेस पे सेम पॉइंट पे लेना है, दोनों ही बेस के सेम पॉइंट्स को पकड़ना है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, अभी हमने सेंटर लिया था, दोनों का सेंटर पॉइंट लिया था दो बेस का। अगर मैं सेंटर पॉइंट ना लू, दोनों का अगर मैं कॉर्नर लेना चाहूं तो फिर कॉर्नर ले सकता हूं, लेकिन वो दोनों का लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, तो फिर मुझे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दूसरा पॉइंट भी दूसरे बेस के कॉर्नर पे ही लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेना चाहूं पहले बेस पे, तो दूसरे बेस पे भी मुझे पॉइंट यहीं पर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तभी मुझे बेलन की ऊंचाई निकाली जा सकती है, दोनों ही बेसिस पे सेम पॉइंट लेने होंगे। बहुत बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए, अलग अलग पॉइंट्स लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या यह बेलन की ऊंचाई है, तो वह अलग अलग पॉइंट्स वाली बेलन की ऊंचाई नहीं होगी। फिर चौथा पॉइंट यह आता है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो दोनों वृत्तों की त्रिज्या होती है या फिर दोनों ही जो बेस होते हैं सर्कल होते हैं, उनकी जो रेडियस होती है वही हमारे सिलेंडर की भी रेडियस होती है। तो चलिए अभी हमारा बेलन यह कंप्लीट हो गया, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो हमें बेलन की त्रिज्या बतानी है, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखते ही हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, जिस भी बच्चे का हो जाए कमेंट में करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया, पोल सेक्शन में आपका आंसर सबमिट हो गया है। यस
या सीमा रानी की आईडी से जो बच्चा है उन्होंने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या आपका? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है आपके पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे, फाइव सेकेंड, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बताया जो हमारे वृत्त की त्रिज्या होती है या फिर जो हमारे सर्कल की रेडियस होती है, वही हमारे सिलेंडर की भी रेडियस होती है या फिर वही हमारे बेलन की भी त्रिज्या होती है। तो हमें यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और हमसे बेलन की त्रिज्या पूछी है, तो बेलन की त्रिज्या भी तो बड़ा 5 ही होगी, क्योंकि बेलन की या फिर सिलेंडर की जो रेडियस होती है वही हमारे सर्कल की रेडियस होती है, दोनों की रेडियस बराबर होती है। तो हमें देखिए यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, यही हमारे बेलन की भी रेडियस होगी, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 5 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे आपका आंसर तब सही होता जब आपसे बेलन का व्यास पूछा जाता या फिर आपसे सिलेंडर का डायमीटर पूछा जाता, तो फिर आपका आंसर सही होता 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी आपसे रेडियस ही पूछी हुई है, तो आपके सर्कल की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बराबर होती है, तो इसलिए वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। अच्छा, वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने भी गलत किया था। समझ में आया? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप एन लिख दीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो, और अगर समझ में आया तो वाई लिख दीजिए, क्योंकि काफी बच्चों ने इसमें गलती करी है। ओनली वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने गलती की थी और कहाँ गलती की थी, वो समझ में आया उनको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें ध्यान से देखना है, हमें व्यास या फिर डायमीटर पूछा है या फिर रेडियस पूछा है, तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना है सभी बच्चों को, ट्राई कीजिए यह सभी बच्चों का सही हो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बहुत ही। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। हमें एक बेलन या फिर एक सिलेंडर दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बहुत बढ़िया, अगर आपका हो गया है बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, 20 सेकंड और है आपके पास, 20 सेकंड। यह सरिता देवी की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 13 चैप्टर, अभी मतलब आसान है चैप्टर, बिल्कुल चैप्टर टफ नहीं है, लेकिन अभी क्या चैप्टर की बहुत ही स्टार्टिंग चल रही है, तो इसलिए आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी करा रहा हूं उनको। 5 सेकेंड, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है या फिर सिलेंडर की हाइट ज्ञात करनी है, तो देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए। अगर मैं इस 4 सेंटीमीटर को देखूं तो यह 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यह तो हमारे बेलन की रेडियस कह लो या फिर सर्कल की रेडियस कह लो, तो यह ऊंचाई नहीं है, यह तो रेडियस दी गई है। फिर हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है यह वाला, तो यह तो हमारा व्यास है बेलन का या फिर सर्कल का डायमीटर है, तो यह भी नहीं है हमारी ऊंचाई। फिर अगर मैं इस 13 सेंटीमीटर को देखूं तो इसके पॉइंट्स ही अलग अलग हैं बेस पे, एक पॉइंट सेंटर पे लिया है जबकि दूसरा पॉइंट कॉर्नर पे लिया है,
तो इसका मतलब यह भी हमारी हाइट नहीं है। हाँ, 12 सेंटीमीटर को अगर मैं देखूं तो 12 सेंटीमीटर पे दोनों पॉइंट सेंटर पे ही लिए गए हैं, तो यस 12 सेंटीमीटर मेरी हाइट होगी। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अब हम हमारा नेक्स्ट शेप देखते हैं, नेक्स्ट शेप क्या है। तो हमारी नेक्स्ट शेप आती है शंकु या फिर कौन। तो देखिए, कौन वैसे आपने देखी होगी, कौन को बनाते कैसे हैं, कौन आपने देखा होगा, जो भी आपकी कैप होती है, बर्थडे कैप, या फिर जब हमने डिस्कशन किया था आप सभी ने बहुत उदाहरण बताए थे, जो आइसक्रीम होती है, वह सभी हमारी कौन की ही शेप होती है। लेकिन कौन बनाया कैसे जाता है वो समझेंगे। तो मान लीजिए यह एक ट्राइंगल है, जैसा भी आपको ट्राइंगल दिया गया है, यह एक ट्राइंगल है। अब मुझे इस ट्राइंगल से कौन बनाना है, कौन हमेशा ट्राइंगल से ही बनेगा। तो जस्ट आपको एक फील कराने के लिए बता रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए यह ट्राइंगल है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे घुमाऊं, इस ऊपर पॉइंट ए को मैं पकड़ के, इस पॉइंट ए को मैंने पकड़ लिया, इस नीचे वाले को अगर मैं ऐसे घुमाऊं पूरा, इस नीचे वाले को मैं पूरा ऐसे घुमाऊं, तो मेरा एक कोण बन जाएगा या फिर एक शंकु बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, ये मैं घुमाता जा रहा हूं, जो डॉट डॉट लाइन है इसका मतलब मैं इसे घुमा रहा हूं धीरे धीरे। तो जब मैं इसे धीरे धीरे घुमाता जाऊंगा इस तरीके से, तो मेरा फाइनली कोण बन जाएगा इस तरह का, इस तरह का मेरा एक कोण बन जाएगा, जिसकी यह जो होती है, देखिए ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला जो पॉइंट होगा, नीचे वाला जो आपका बेस या फिर आधार बनता है कोण में, वह भी सर्कल ही बनता है, सर्कल या फिर वह भी वृत्त ही बनता है। आपने देखा भी होगा, जो आपकी बर्थडे कैप होती है उसमें नीचे सर्कल ही होता है, नीचे उसमें एक सर्कल या फिर वृत्त ही होता है। तो अगर उस वृत्त का मैं सेंटर ले लूं, उस वृत्त का अगर मैं सेंटर ले लूं, और हमारा एक जो ऊपर वाला पॉइंट था कोण का, चोटी जो होती है कोण की, उसे ले लूं, तो उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की यह जो दूरी होती है, यह हमारे कोण की ऊंचाई कहलाती है, यह हमारे कोण की ऊंचाई कहलाती है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं या जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे कोण की वृत्त होता है या फिर जो आधार होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, वह हमारे कोण की रेडियस कहलाती है या फिर त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से दर्शाते हैं या फिर आर से डिनोट करते हैं। तो यह हमारे वृत्त की त्रिज्या हो गई, यह हमारे वृत्त की ऊंचाई हो गई। और जो यह होता है टेढ़ी जो है, यह भुजा जो एसी है, यह वाली जो है, यह हमारे कोण की त्रियक ऊंचाई कहलाती है, यह हमारे कोण की त्रियक ऊंचाई कहलाती है, त्रियक ऊंचाई, जिसे हम इंग्लिश में लैटरल हाइट भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लैटरल हाइट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लैटरल हाइट दी गई है या फिर आपको लंब, इसको लंबवत ऊंचाई भी कह देते हैं या फिर ऊंचाई भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूं, इसे हम लंबवत ऊंचाई भी कह सकते हैं या फिर खाली ऊंचाई भी कह सकते हैं, और जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर हाइट या फिर हाइट भी कह देते हैं। और यह तो हमारी है ही रेडियस या फिर त्रिज्या, और इस लैटरल हाइट को हम जनरली एल से दर्शाते हैं। लैटरल का एल ले लिया गया है, तो इसे जनरली हम एल से दर्शाते हैं। तो त्रियक ऊंचाई एल हो गई, लंबवत ऊंचाई या फिर खाली ऊंचाई हमारी एच हो गई, और रेडियस या फिर त्रिज्या हमारी आर हो गई। तो यह हमारे मेन पार्ट होते हैं एक शंकु के या फिर एक कोण के। तो हम देख भी सकते हैं, जैसा यहाँ दिया गया है, यह हमारी शंकु की ऊंचाई है, जिसे हाइट ऑफ द कोण एच से दर्शाते हैं। फिर यह वाली हमारे शंकु की त्रियक ऊंचाई है, जिसे लेटरल हाइट या फिर इसे स्लांट हाइट भी कह देते हैं, स्लांट हाइट भी कह देते हैं, जिसे एल से दर्शाते हैं। और यह हमारे शंकु की त्रिज्या होगी, जिसे आर से दर्शाते हैं, रेडियस ऑफ द कोण। और इसे बनाया किस प्रकार से गया था वो भी हमने बता दिया, कि इसे एक त्रिभुज को घुमा के, एक त्रिभुज को पकड़ के उसकी जो टॉप की निब है उसे फिक्स करके, फिर हमने उसे त्रिभुज को अगर चारों तरफ घुमाया तो हमें कोण प्राप्त होता है या फिर हमें शंकु प्राप्त होता है। तो यह हमारे कुछ दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण है।
जैसे कि आपने काफी रोड वगैरह पे जब कोई काम चलता है तो इस तरह के देखे होंगे, तो यह भी हमारी कोन की शेप का ही होता है, या फिर हमारी बर्थडे की कैप्स हो गई, या फिर हमारी आइसक्रीम का, या फिर सॉफ्टी की जो कवर होता है वह भी हमारा कोन की शेप का ही होता है। अगर आप इन सभी में देखोगे तो देखिए नीचे इस तरह का यह सर्क्यूलर ही हिस्सा है, इन सभी का जो आधार है वह सर्क्यूलर ही है, यह वाला हिस्सा इनका सभी का सर्क्यूलर ही है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है यह निब होती है। सिलेंडर में तो क्या होता है, सिलेंडर में तो ऊपर भी सर्कल होता है, लेकिन कोन में ऊपर सर्कल नहीं होता, ऊपर केवल एक निब या फिर एक पॉइंट होता है जहां पे हमारा कोन खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, कोन में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आप सभी को ध्यान से समझनी है। देखिए हमें क्या दिया हुआ होता है, कोन में हमें हाइट दी जाती है और कोन में हमें रेडियस दी जाती है। तो हमसे कई बार डायरेक्टली या तो त्रिज्या ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट पूछ ली जाती है, नहीं तो हमारा एल का फॉर्मूलों में बहुत यूज होता है। तो हम एल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें एच पता है और अगर हमें आर पता है, तो एल का मान ज्ञात करना आपको आना चाहिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो यह हाइट है, इसे मैं फिर से हाईलाइट भी कर देता हूं, यह जो हाइट है एच और यह जो हमारी रेडियस है आर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह है हमारा 90 डिग्री का है। यह वाला जो एंगल है यह 90 डिग्री का है, और यह जो एल है, एल भुजा जो है हमारी, वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, या फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में एल जो हो गया वो हो गया मेरा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो यह हो गई मेरी कर्ण, या फिर जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस भी कहते हैं, यह मेरी हो गई कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। एच जिसे हम ऊंचाई कह रहे थे, यह हो गई मेरी लंब, या फिर जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और यह जो है त्रिज्या, त्रिज्या जो है यह हो गई मेरी आधार, जिसे हम इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी हमें एल निकालना हो, स्लांट हाइट या फिर त्रियक ऊंचाई, हमें हमेशा पाइथागोरस सर आप स्टार्ट से समझाना, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ही रिपीट कर दूंगा, एक बार ही मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, एक बार ही आप भी समझ लेते हैं इसे पूरा। अच्छा इसे प्रैक्टिकली तो है नहीं मेरे पास कौन, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा, इसे आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, इसे मैं दोबारा से अच्छे से रिपीट कर देता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए कि मैं इसे नेक्स्ट पेज पर दोबारा से अच्छे से ही रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो एक कौन बना लेते हैं, ये आपका कोन का पीछे का हिस्सा है, इसे डॉट डॉट नहीं होता, डॉट डॉट का बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि यह पीछे वाला हिस्सा है, और यह आपका सर्कुलर हिस्सा है, यह पूरा आपका सर्कुलर बेस है, या फिर जो नीचे का हिस्सा है वह सर्कुलर है, और यह आपका पूरा कोन है, या फिर जिसे हिंदी में हम शंकु भी कहते हैं। तो इसे मैं नाम दे देता हूं अभी के लिए, मान लीजिए कोई ए बी सी, इस तरह का कोई एक नाम दे दिया है मैंने। तो यह हमारा जो सर्कल है नीचे वाला, इसका जो आधार है, यह इसका केंद्र है, या फिर यह इसका सेंटर है, जिसे अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूं डी का। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा जो यह टिप है, पॉइंट ए, पॉइंट ए से और इस सर्कल का जो सेंटर है, इसके बीच की जो दूरी होगी वह होती है हमारी शंकु की ऊंचाई, शंकु की होती है ऊंचाई, जिसे हम यहां पर भी मैं लिख देता हूं ऊंचाई, या फिर एच हाइट। फिर बात आती है शंकु की त्रिज्या की, या फिर रेडियस ऑफ द कोन की। तो रेडियस क्या होती है, अगर मैं इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस देखूं, सेंटर से और इसका जो वृत्त का कोई एक पॉइंट है यहां तक की डिस्टेंस देखूं, तो यह होगी मेरी रेडियस आर। और यह वाली जो भुजा है एसी, भुजा एसी, यह होती है हमारी स्लांट हाइट।
या फिर तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको यह तीन चीजें समझ में आई कि शंकु की ऊंचाई क्या होती है, शंकु की रेडियस क्या होती है और शंकु की स्लांट हाइट क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको अगर प्रैक्टिकली भी दिखाने की कोशिश करूं, इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। यस, एक मिनट, मैं यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए यहां से और समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो नीचे का जो हिस्सा है वृत्ताकार, अगर मैं इसका सेंटर लूं, यहां यह वाला सेंटर, तो इसके और इसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी ना, इसके और इसके बीच की जो यह लंबवत दूरी होगी, यह होती है आपकी ऊंचाई या फिर हाइट, जिसे लंबवत ऊंचाई भी कहते हैं। और जो यह वाला हिस्सा होगा, यह वाला, यह होगी आपकी त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या होगी या फिर जो बेस की त्रिज्या होगी, उसे ही हम शंकु की त्रिज्या भी कहते हैं। स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, मैं वही बता रहा हूं। और यह वाली जो हाइट होगी, यह वाली जो टेढ़ी होती है, स्लांट, स्लांट का सिंपल सा मतलब है टेढ़ा या फिर त्रियक, तो जिसे हम कहते हैं हिंदी में त्रियक ऊंचाई। तो यह जो टेढ़ी वाली ऊंचाई होती है, यह होती है आपकी स्लांट हाइट, यह होती है आपकी स्लांट हाइट या फिर त्रियक ऊंचाई, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। यस, अभी मैं उस पे आएंगे हम राइट एंगल पे। पहले आपको यह बताना है कि अब समझ में आया आपको कि क्या स्लांट हाइट होती है, क्या रेडियस होती है और क्या परपेंडिकुलर हाइट होती है। जो आपकी त्रियक त्रियक ऊंचाई जो होगी, वह होगी आपकी स्लांट हाइट। जैसे कि अगर इसमें भी मैं दर्शाऊं, अगर इस वाले चित्र में भी मैं दर्शाऊं, तो यह वाली जो हाइट है ना आपकी, यह जो टेढ़ी हाइट है, यह वाली, यह होती है आपकी स्लांट हाइट, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। तो यह होगी आपकी स्लांट हाइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह जो आपकी हाइट है एच, यह वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है ना आपकी, लंबवत जो ऊंचाई है, वह होगी आपकी एच, और यह आपका थी त्रिज्या या फिर आर। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, वह होता है 90 डिग्री का। यह दोनों के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर अब मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं, मान लीजिए इसे मैं यहां नाम दे देता हूं ए बी सी, तो अगर मैं इस ए बी सी को ध्यान से देखूं तो देखिए यह भुजा जो ए सी है, जो हमारी स्लांट हाइट है, यह 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा है यह स्लांट हाइट। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मेरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसे इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिक्यूलर का स्क्वायर। यह हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखिए हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और यहां 90 डिग्री के सामने वाली हमारी साइड कौन सी है, ए सी। मैं इसे अलग से हाईलाइट भी कर देता हूं, यह जो हमारी साइड है, यह वाली जो हमारी साइड है ब्लू वाली, यह हमारी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है। तो देखिए हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख रहा हूं ए सी, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए सी ही हमारी स्लांट हाइट है या फिर त्रियक ऊंचाई है, तो इसकी जगह मैं एल लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो हाइपोटेनियस की जगह तो मेरा आ गया एल, जिसका मुझे मान ज्ञात करना है। फिर आता है बेस या फिर आधार, तो हमारा आधार है यहाँ पे, यह है बी सी, जिसे रेडियस है या फिर त्रिज्या है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिक्यूलर या फिर लंब क्या है, तो लंब हमारा यहाँ पे हो जाएगा यह ऊंचाई या फिर लंबवत ऊंचाई, ये वाली जो ब्लैक कलर से दर्शाई गई है, तो यह होगा हमारा लंब, तो यह आ जाएगा एच का स्क्वायर या फिर हाइट का स्क्वायर। एक मिनट, इसे इरेज कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, इस तरीके से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। अब बताइए आप में से कितने बच्चों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप एन लिख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एन लिख सकते हो, या फिर अगर आपका कहीं कोई भी वैसा डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। आपको ध्यान से समझना है क्या स्लांट हाइट होती है, क्या नॉर्मल हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट होती है,
और क्या हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया। यश जतिन की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है। सर ये नीचे नीचे वाला वापस से समझाना। नीचे नीचे वाला जो ये एल स्क्वायर लिखा हुआ है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाला क्या? सर ये कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला। अच्छा, ये तो देखिए आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कि 90 डिग्री के त्रिभुज में लगती है। यस बताइए आपने। ठीक है, देखिए मैं पाइथागोरस प्रमेय को जल्दी से बता देता हूँ एक बार, अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं है तो। मान लीजिए अगर आपका कोई एक 90 डिग्री का त्रिभुज है जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, या फिर हिंदी में जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कोई 90 डिग्री का त्रिभुज है जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इस वाले त्रिभुज को ही यहाँ बना रहा हूँ। नीचे पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, पॉइंट सी ये हो गया हमारा। यह हो गई हमारी स्लांट हाइट, एल जिसे बोल रहे हैं हम। यह हो गई जिसे हम एच बोल रहे हैं या फिर हाइट बोल रहे हैं, और यह हो गई हमारी रेडियस जिसे हम त्रिज्या बोल रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी यह कहती है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि हाइपोटेनियस या फिर कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर इंग्लिश में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आपको समझना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है। तो देखिए जो कर्ण या फिर हाइपोटेनियस होता है वह होता है आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है एसी, भुजा एसी आपकी जो यह है, यह वाली भुजा, यह आपके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो इसीलिए एसी कर्ण की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एसी का स्क्वायर, क्योंकि हमारा कर्ण यहाँ पे एसी है, या फिर हाइपोटेनियस एसी है। फिर है आधार का स्क्वायर या फिर बेस का स्क्वायर। तो देखिए बेस आपका यह होता है नीचे वाला जिस पे हमारा पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है। आगे आप अगली क्लास में पढ़ोगे, बेस आपका यह भी हो सकता है, देखिए बेस आपका यह ए बी भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही है कि बेस हमेशा यही वाला होगा, नीचे वाला। तो देखिए आधार होगा आपका यह नीचे वाला, तो आधार या फिर बेस की जगह पे मैं लिख रहा हूं बीसी का स्क्वायर, प्लस बचा हुआ जो होगा वह हमारा लंब होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। तो इस परपेंडिकुलर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एबी का स्क्वायर। तो देखिए अब एसी जो है वह हमारी स्लांट हाइट है या फिर त्रियक ऊंचाई है, तो उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ एल का स्क्वायर। और बीसी जो है वह हमारी रेडियस है या फिर त्रिज्या है, यह जो है, तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर, प्लस एबी जो है, एबी का स्क्वायर वह हमारी लंबवत ऊंचाई है या फिर ऊंचाई है, तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ एच। तो यह हो गया मेरा एच का स्क्वायर। तो देखिए यही रिलेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा था, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अभी क्लियर है जिस भी बच्चे का डाउट था कमेंट करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए बस अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बस ये खत्म हो गया। अभी आपको क्या दिया जाएगा मैं वह बता देता हूं। आपको रेडियस दी गई होगी और हाइट या फिर लंबवत ऊंचाई दी गई होगी, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट यह वाला फॉर्मूला लगाना होगा, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और बाद में आप क्या करोगे, एल बराबर दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूं, मान लीजिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, तो इस एल स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो एल ही बचेगा बस, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो बस आपको दोनों जगह अंडर रूट लेना है, एल पे क्योंकि स्क्वायर था तो उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी कोण की स्लांट हाइट या फिर किसी भी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हो। यह इंपॉर्टेंट था, यह आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो स्टार मार्क के ये फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए और डायरेक्ट अपनी स्लांट हाइट निकाल दीजिए।
बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखिए आप, दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक से ही अगर ऊपर वाला याद है आपको, यह है स्क्वायर वाला याद है, तो आप नीचे वाला तो खुद ही निकाल सकते हो। तो मैं कहूंगा कि हमेशा ऊपर वाला याद रखिए, नीचे वाला तो क्योंकि कुछ नहीं है, बस दोनों जगह अंडर रूट ही लिया है। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी ये बताइए, अगर आपको रेडियस और हाइट दी जाए, रेडियस और हाइट दी जाए तो आप निकाल सकते हैं। त्रियक ऊंचाई, स्लांट का मीनिंग होता है त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक एक कौन है या फिर एक शंकु है जिसकी रेडियस, जिसकी रेडियस या फिर त्रिज्या जो है वह है 3 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है, सॉरी, उसकी हाइट या फिर ऊंचाई जो है वह है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आपको उसकी त्रियक ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट बतानी है। कमेंट में आंसर कर सकते हो आप, कमेंट में आंसर करना है आपको उसकी त्रियक ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिन्होंने कर दिया है बहुत बढ़िया, एक बार फिर से आप चेक कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। आपसे त्रियक ऊंचाई पूछी गई है, स्लांट हाइट। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी बच्चे का आधा रह रहा है तो वो सॉल्व करे। तो देखिए, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी पिछली इसमें निकाला था, एल बराबर होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए यहां लिख भी लेता हूं, दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए, हमसे स्लांट स्लांट हाइट पूछी गई है, मतलब एच पूछा गया है, सॉरी एल पूछा गया है, एल पूछा है, ना कि हमसे पूछा गया है एल स्क्वायर। काफी बच्चों ने इसमें गलती करी है, काफी बच्चों ने गलती करी है, तो मुझे एल निकालना है। तो देखिए, मैं एल कैसे निकालूंगा, दोनों तरफ में अगर अंडर रूट ले लूं, इस एल स्क्वायर पे अगर मैं अंडर रूट लूं और इधर भी दोनों अंडर रूट लूं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इससे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से यह अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एल और इधर आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया था। तो देखिए, अब मैं इस पर वैल्यू पुट करता हूं या फिर मान रखता हूं, एल बराबर अंडर रूट आर का मान दिया हुआ है मुझे 3, तो यह हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस एच मुझे दिया गया है 4, तो यह आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर। तो देखिए, 3 का स्क्वायर होता है मेरा 9, 3 गुणा 3 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16, तो एल बराबर मेरा आएगा 9 प्लस 16, यह होगा मेरा 25। फिर से देखिए, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो यस, एल बराबर आ गया मेरा अंडर रूट 25,
और 25 क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 का स्क्वायर होता है, तो एल को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल बराबर मेरा बचेगा 5 सेंटीमीटर, तो मेरी स्लांट हाइट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। काफी बच्चों ने यह गलती की है कि उन्होंने यह वाला फॉर्मूला लगा दिया, यह वाला फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, लेकिन उन्होंने एल स्क्वायर का मान निकाल दिया डायरेक्ट, उन्होंने इस पे अंडर रूट ही नहीं लिया बाद में। तो आपको ध्यान रखना है बाद में अंडर रूट भी लेना है एल का मान निकालने के लिए, तो इसलिए उन बच्चों का आंसर 25 सेंटीमीटर आया था। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? कमेंट में बताएंगे जल्दी से जिनका भी आंसर गलत था, जिनका भी आंसर गलत था, समझ में आया कहाँ गलती की थी? आगे से ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। एल स्क्वायर का मान पूछे तो एल स्क्वायर का मान बताना है, और एल या फिर अगर स्लांट हाइट ही पूछे खाली तो स्लांट हाइट का ही मान बताना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, अगर समझ में आया तो चलिए जल्दी से हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। हमारा आसान सा टॉपिक है सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा पता भी लग रहा होगा आपको कि जो सरफेस का एरिया होता है, जो भी आपकी आकृति की सरफेस है, और सरफेस को हम हिंदी में पृष्ठ कहते हैं, इस सरफेस को हम हिंदी में पृष्ठ कहते हैं या फिर क्षेत्र कहते हैं। तो जो भी आपके पृष्ठ या फिर क्षेत्र है या सरफेस है, तो उसका क्षेत्रफल या फिर उसका एरिया ही सरफेस एरिया कहलाता है। तो देखिए इसमें दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसे शॉर्ट में TSA लिखा जाता है। TSA वो कैसे लिखा जाता है, टोटल से टी लिया, सरफेस से एस लिया, और एरिया से ए लिया, तो इसे हम TSA लिखते हैं शॉर्ट में। फिर दूसरा तरह का आपका क्षेत्रफल आता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, LSA। बिल्कुल, लेटरल से एल लिया, सरफेस से एस लिया, और एरिया से ए लिया, तो यह हो जाएगा हमारा LSA। तो आगे से, क्योंकि पूरा बार बार लिखना टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, थोड़ा बड़ा लगता है, तो इसलिए शॉर्ट में हम आगे से TSA और LSA ही लिखेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए TSA बराबर टोटल सरफेस एरिया, LSA बराबर लेटरल सरफेस एरिया। तो अब हम देखते हैं आखिर ये होते क्या है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपका होगा जितना भी कोई शेप जगह घेर रही है या फिर जितना वो स्पेस घेर रही है, वही उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मानिए सबसे पहले हम इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। तो इस सिलेंडर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो आयत जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, और एक होता है वृत्त, या फिर मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो दो वृत्त होते हैं, एक यह वाला और एक यह वाला, दो वृत्त होते हैं दोनों आधारों पे। अच्छा ये बेलन थोड़ा, पहले हमने लंबवत बेलन पढ़ा था, इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। सर्कल में लेंथ, आप अनम्यूट करके पूछोगे आपका क्या डाउट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सर्कल में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट शो करना। सर्कल में थोड़ी, सर्कल की हाइट नहीं होती है, हाइट तो पूरे बेलन की होगी, तभी तो सर्कल की हाइट नहीं होती है। देखिए अगर मैं सर्कल की लेंथ, इस पूरे ही बेलन की लेंथ ब्रेथ हाइट अगर शो करना चाहूं, तो देखिए इसे मैं इसकी लेंथ बोल सकता हूं, सर्कल की, सर्कल की कह लीजिए, या फिर यह वाली जो है यह सर्कल की लेंथ कह लीजिए, या फिर इस पूरे बेलन की लेंथ कह लीजिए। देखिए यह इसकी हो गई है, यह वाली जो होती है यह हो गई इसकी चौड़ाई कह लीजिए आप, तो लंबाई और चौड़ाई यह बराबर होंगी। और अगर मैं ऊंचाई दिखाना चाहूं या फिर हाइट दिखाना चाहूं, तो यह वाली डिस्टेंस ऊंचाई होगी पूरी, यह वाली मेरी हाइट होगी, यह वाली मेरी ब्रेड्थ होगी, और यह वाली मेरी लेंथ होगी। तो पूरे सर्कल में सर्कल की हाइट नहीं होती, सर्कल की हाइट नहीं होती तभी तो वो 2D होता है, और सिलेंडर की हाइट होती है पूरी, इसलिए वह 3D होता है। अच्छा अब एक कंफ्यूजन आपको आएगा, कई बार क्या होता है कि जो सर आपको है ना क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा कि बेलन की लंबाई इतनी है,
तो बेलन की लंबाई को जनरली क्या करते हैं, क्योंकि बेलन में हम ऐसे बात नहीं करते हैं, बेलन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर आपको बेलन की लंबाई दी जाए या फिर ऊंचाई दी जाए ना, तो वो बराबर होती है। मतलब इसे ही हम बेलन की लंबाई भी बोल देते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की हम बेलन में बात करते नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी भी तीन ही विमाएं होंगी, इसकी भी तीन ही विमाएं होंगी। तो जनरली ये बात नहीं करी जाती है बेलन में लंबाई और चौड़ाई की। तो बेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई का मतलब यही होता है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि बेलन की हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे थे या फिर टोटल सरफेस एरिया देख रहे थे। तो टोटल सरफेस एरिया की डेफिनेशन मैंने बताई कि जितना भी कोई भी शेप स्पेस घेरे या फिर जितना क्षेत्र घेरे, वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल का मतलब ही है, क्योंकि इसके आगे टोटल लिखा है, तो टोटल का मतलब ही होता है कुल। तो हमें पूरा जितना भी टोटल सरफेस एरिया है वो निकालना है। जैसे अगर मैं बेलन या फिर सिलेंडर की बात करूं, तो यह इसमें आयत से मिलके बना होता है और दो वृत्त से मिलके बना होता है, या फिर जिसे हम सर्कल बोलते हैं। तो अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं, या फिर अगर मैं इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल लूं और इन दोनों सर्कल का एरिया निकाल लूं और उनको सभी को आपस में ऐड कर दूं, तो यह मेरा आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि मैंने जितने भी इसके पार्ट हैं, जितने भी बेलन के या फिर सिलेंडर के पार्ट हैं, यही दो पार्ट पढ़े थे हमने। दो पार्ट होते हैं, एक तो रेक्टेंगल होता है और ये सर्कल होते हैं। तो इन सभी का ही मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया और सभी को जोड़ दिया, तो वही मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा सिलेंडर या फिर बेलन का। अगर देखिए मैं शंकु की बात करूं, तो शंकु में एक तो मेरा यह वाला पार्ट है जो कि लगभग त्रिभुज के जैसा होता है, तो मान लीजिए इसे बोलते हैं वक्र भाग, वक्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्व एरिया, क्योंकि यह कर्व है, सीधा नहीं है, तो इसलिए इसे कर्व बोलते हैं। सेम इस अगर बेलन की भी बात करूं, तो बेलन में भी जो यह हमारा आयत वाला भाग होता है, यह भाग, इसे हम वक्र ही बोलते हैं, क्योंकि यह सीधा नहीं है, तो इसे भी हम वक्र बोल सकते हैं या फिर कर्व बोल सकते हैं या फिर लैटरल भी बोल देते हैं। तो देखिए, अब मैं अगर शंकु में बात करूं या फिर कोण में बात करूं, तो कोण में भी दो हिस्से मैं देख पा रहा हूं। कोण में भी मैं मोटा मोटा दो हिस्से देख पा रहा हूं। एक तो होता है हमारा यह नीचे वाला हिस्सा जो कि सर्कल होता है या फिर वृत्त होता है, और एक होता है हमारा यह ऊपर वाला हिस्सा जो कि वक्र भाग होता है। तो अगर मैं देखिए, हाँ, सर्कल होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को है ना हम ट्रायंगल नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रायंगल, अगर आपको ध्यान हो, तो ट्रायंगल होती है एक 2D शेप। ट्रायंगल आपका ऐसा होता है, लेकिन यह 3D शेप है ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाले की कुछ मोटाई होती है ना कोण की। जैसे आपने कैप देखी होगी, तो कैप की कुछ मोटाई भी तो होती है, तो इसलिए हम इसे ट्राइंगल के जैसा होता है ये, लेकिन ट्राइंगल नहीं होता। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए, देखिए हर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते क्या है, देखिए इसका वैसे कोई नाम नहीं है, इसको बस वक्र भाग बोलते हैं, इसको लैटरल या फिर वक्र भाग बोलते हैं शंकु का। तो अगर आपसे कोई पूछे, तो वो लैटरल भाग होता है, लैटरल एरिया या फिर कर्व्ड एरिया शंकु का। इसकी शेप का कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर, पूरी शेप को अगर नीचे वाले वृत्त को भी मिला दे, तो यह हमारा शंकु बन जाता है। तो देखिए, अगर इसके मैं टोटल एरिया की बात करूं ना, इसके अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका मतलब मेरा वक्र या फिर कर्व एरिया आ जाएगा, प्लस इस वृत्त का या फिर इस सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। तो मतलब मेरा कर्व एरिया आ जाएगा एक, तो प्लस इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। और यह एक बॉल दी गई है, बॉल या फिर गोला मान लीजिए, जो बॉल की आपकी शेप होती है ना, उसे हम गोला या फिर स्फेयर की शेप कहते हैं। तो इसका अगर मैं पूरा ही क्षेत्रफल निकाल लूं, क्योंकि इसका कोई भाग नहीं होता, इसका बस एक ही भाग है, इसके पूरे भाग को ही हम वक्र भाग बोल लीजिए या फिर संपूर्ण भाग बोल लीजिए, इसके पार्ट नहीं होते हैं, तो इसके पूरे के एरिया को ही हम क्या कहते हैं, कुल सरफेस एरिया कहते हैं। इसके पूरे के ही एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको टोटल सरफेस एरिया समझ में आया? जल्दी से बताइए, आपको टोटल सरफेस एरिया सभी को समझ में आया?
बहुत बढ़िया। फिर हम लैटरल सरफेस एरिया और पढ़ते हैं जल्दी से, बहुत ही छोटा सा है। बहुत बढ़िया। पूरे जितने भी पार्ट हैं किसी भी शेप के, अगर हम उन सभी का एरिया निकाल लें और उन्हें जोड़ दें आपस में सभी को, तो वह हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया। देखिए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अब देखते हैं जल्दी से। लैटरल सरफेस एरिया, अगर किसी भी शेप में से, अगर किसी भी शेप में से उसके आधारों का कुल क्षेत्रफल, अगर उसके आधारों का क्षेत्रफल घटा दें हम, इसे मैं यार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें हमें आधार का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जाता है, उसमें हमें बेस का एरिया ज्ञात नहीं करना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए हम उसी वाली स्लाइड पे चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इसी में बात करूं तो हमारा इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम इस सिलेंडर पे ही आते हैं। इस सिलेंडर के आधार क्या है या फिर बेस क्या है, एक तो यह है और एक यह है। हमने बात की थी जो इसके सर्कल होते हैं वही बेस होते हैं, तो अगर मैं इस बेस को हटा दूं, इनका एरिया नहीं लिखूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल आयत बचेगा। अगर मैं इन दो वृत्तों को हटा दूं तो केवल मेरे पास आयत बचेगा, तो यह जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही मेरा लैटरल सरफेस एरिया होगा या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल सी बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं या फिर बेस का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। तो आप बेस का क्षेत्रफल मत निकालिए, बाकी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ऐसे ही हम बात करते हैं शंकु में या फिर कोण में, तो कोण का भी बेस या फिर आधार क्या है, कोण का भी बेस या आधार वृत्त ही है। यह वाला जो है यह वाला ही कोण का आधार या फिर बेस है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया भी क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया भी केवल अगर मैं वक्र का क्षेत्रफल निकाल लूं या फिर कर्व सरफेस का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो वही मेरा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। सर्कल का एरिया मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि सर्कल आधार है इस शंकु का या फिर बेस है इस कोण का, तो उसका एरिया मैं नहीं निकालूंगा, तो वह मतलब मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं स्फेयर की या फिर इस गोले की। तो अगर आप बॉल को देखो, बॉल को देखो तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले यह होगा कि सर इसका बेस क्या है या फिर इसका आधार क्या है। तो देखिए उसका कोई बेस नहीं होता बॉल, क्योंकि आपने देखा होगा चारों तरफ से ही बिल्कुल सेम शेप की होती है, तो उसका कोई भी आधार नहीं होता। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है या फिर वही इसका लैटरल सरफेस एरिया भी होता है। नहीं, 2D शेप नहीं होती है अंजलि, 2D शेप नहीं होती है। 2D शेप तो देखिए सर्कल होता है, बॉल हमेशा एक 3D शेप होती है, क्योंकि बॉल की कुछ ऐसा नहीं है ना, बॉल हमें यह बॉल है यह, हालांकि अभी आपको सर्कल की तरह दिख रहा होगा लेकिन इसकी कुछ ऊंचाई भी होती है या फिर मोटाई भी होती है। कई बॉल इतनी आती है, कई बॉल बड़ी शेप की आती है, कई बॉल बहुत मोटी आती है। जैसे जो क्रिकेट की बॉल होती है वो थोड़ी छोटे साइज की होती है, और बास्केटबॉल या फुटबॉल होती है वो बड़े साइज की होती है, तो उनकी थिकनेस भी या फिर मोटाई भी तो ज्यादा होती है। यस, हम इसे ड्रॉ भी नहीं कर सकते बॉल को अभी जैसे, हालांकि यह बॉल ही ड्रॉ की गई है, लेकिन काफी बच्चे बोल सकते हैं कि सर यह तो सर्कल ही दिख रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूं यह सर्कल दिख रहा है, लेकिन हम बॉल को ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं अच्छे से, तो इसीलिए बॉल हमारी 3D होती है। तो आपको क्लियर है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लैटरल सरफेस एरिया में हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, जबकि टोटल सरफेस एरिया में हम सभी चीजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से देखते ही हो जाएगा वह क्वेश्चन भी। देखिए इसमें आपको जैसे दिखाया भी गया है, मैं जल्दी से बता देता हूं। यह वाला जो हिस्सा है यह वाला आपका वक्र पृष्ठ है और यह आपके आधार हैं। तो केवल अगर मैं इस हिस्से की बात करूं जो कि डार्क ग्रीन कलर में है, तो यह है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा या फिर लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर इसमें भी देखिए जो यह डार्क वाला हिस्सा है ऊपर का, केवल अगर इसी को ही मैं इसका ही एरिया निकालूं तो यह मेरा लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट कलर की शेप है जैसे यह वाला आधार हो गया, जिन पे भी आधार लिखा है उनका क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा हूं मैं।
चलिए अच्छा, इस क्षेत्रफल की इकाइयों की हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 1 मिनट, या सभी आप आंसर कर सकते हो, अभी आप आंसर कर सकते हो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 20 सेकेंड। टेन सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3,